मुरादाबाद के कटघर गाड़ी खाना वार्ड 45 में मचा हड़कंप। आपको बताते चले कि दिल्ली के एम्स में भर्ती एक बच्चा और उसके माता पिता बच्चे की देखभाल दिल्ली एम्स में कर रहे थे। वहीं उनका कहना है कि दिल्ली के एम्स से उनको घर के लिए भेज दिया गया है। जब उनसे मालूमात की गई तो उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली के एम्स में चेकअप हुआ है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ है। ये सुनकर सभी क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। सरकार की गाइडलाइन है कि दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल या किसी भी अस्पताल में बिना चेकअप कराए कोई भी बंदा शहर तो शहर राज्य के अंदर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के पार्षद विद्या सरन ने बताया कि इस तरह की लापरवाही बहुत ही घातक हो सकती है। पूरे समाज के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है और इनका चेकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परिवार एम्स से होकर आए हैं। और मौके पर चौकी इंचार्ज गुलाबबाड़ी पहुंची और उन्होंने हिदायत देते हुए परिवार को कहा कि तुरंत आप अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ही 14 दिन के लिए पूरी तरह से अपने कमरे में कैद रहें, क्योंकि आप बाहर से आए हैं। यहाँ पर वार्ड 45 कटघर गाड़ी खाना है। यहाँ पर एक किराएदार रहते हैं श्री विशेष शंकर शुक्ला जी के मकान में, जितेंद्र नाम के जी। इनके बेटे की दिमाग की जो है ट्रीटमेंट चल रही है दिल्ली एम्स से। वहाँ वो डॉक्टर नहीं मिल पाए जिन्हें इनसे दवाई लेनी थी। ये 3-4 दिन वहाँ रुके और रुकने के बाद आज एक प्राइवेट एम्बुलेंस से ये यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आके सूचना दी कि मैं दिल्ली था हूँ और कोई इनका कहीं चेकअप नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि दिल्ली से यहाँ तक इन्हें किसी ने रोक कर कोई चेक नहीं किया। अब आने के बाद जब सूचना दी तो मैंने प्रशासन को बुलाया, पुलिस वाले आए हैं और वार्निंग दिया कि अंदर रहें और जल्द से जल्द इनका चेकअप करा दिया जाएगा और चेकअप कराने के बाद यहाँ से इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि एक स्वयं में अपने आप में बता रहे हैं कि मेरा कहीं चेकअप नहीं हुआ, आप मेरे चेकअप करा दो। उसका इलाज करा के वापस आए थे और इन्होंने अपना वहाँ पर चेकअप भी नहीं कराया था। यहाँ पे आके इन्होंने आसपास में पड़ोस में पार्षद जी को इसकी सूचना दी तो उन्होंने हम लोगों को बताया, तो इनको हिदायत दी गई है ये सुबह जाकर अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे, उसके बाद इनको 14 दिवस के लिए घर में क्वारंटाइन किया जाएगा, ठीक है। और चेकअप की जो भी रिपोर्ट होगी वो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? अभी सारे सीमा, अभी टोटल सीमा ब्लॉक है, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। नहीं, जैसे ये आए हैं इनके लिए कोई गाइडलाइन जारी हुई है? जैसे कोई दूसरे राज्य से, विशेष करके अस्पताल से कोई आदमी एंट्री करता है और कहीं घनी बस्ती में जाकर रहने लगता है, उसके लिए कोई गाइडलाइन? मेडिकल इमरजेंसी के लिए अभी ऐसा कोई वो नहीं है, कोई आदेश नहीं आया है। किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो अदर जनपद में, अदर स्टेट में जा सकता है। Thank you.